कड़ा है, पहला सवाल है, यदि एक लीटर दूध का मूल्य 15.75 रुपया हो तो 10 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। अगर हमें दिया हुआ है एक मार्कर का दाम 10 रुपया और पांच मार्कर का दाम पूछेंगे तो कितना होगा, 50 रुपया। क्या किए, गुना कर दिए। उसी तरह यहाँ पे एक लीटर दूध का दाम पता है तो हमें 10 लीटर दूध का दाम पूछ रहा तो गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। हमेशा याद रखना कि जब एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ और ज्यादा वस्तु का मूल्य पूछेगा तो हमेशा क्या करना है, गुना करना है। और ज्यादा वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो और एक वस्तु का मूल्य पूछ रहा तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर ज्यादा की बात होगा तो गुना और कम की बात होगा तो भाग करेंगे। बात को ध्यान रखना है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो एक लीटर दूध का मूल्य जो है 15.75 रुपया है तो 10 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, कैसे लिखेंगे इसको, चुकी, इसको क्या बोलते हैं, चुकी। एक लीटर इस तरह से बनाना है, एक लीटर दूध का मूल्य, दूध का मूल्य, मूल्य 15.75, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 15.75 रुपया ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, रुपया है। इसीलिए इसको बोलते हैं इसीलिए कितना पूछ रहा है, 10 लीटर का ना, तो 10 लीटर दूध का मूल्य, इसका मतलब वही डैश डैश जो ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो 10 लीटर का ज्यादा होगा, 10 लीटर का ज्यादा होगा क्या करेंगे, 15.75 और गुना क्या करेंगे, 10, ठीक ना। अब गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 115.75, उस पर क्या हो जाएगा, एक जीरो आएगा ना, तो इधर देखो पॉइंट भी है ना, दो अंक के बाद पॉइंट देते हैं, इधर देखो कितना अंक के बाद पॉइंट है, दो अंक बाद, एक दो, इसका हो जाएगा 157.50 रुपया, ठीक ना। जिसका जिसका इतना आंसर आया था उसका क्या होगा, सही हो गया। चलो दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि एक बस जो है वो 35 किलोमीटर 500 मीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यहाँ पे समझ रहे हो, प्रति घंटा की चाल का मतलब क्या हुआ, एक घंटा में वो 35 किलो 500 मीटर चल रहा है, प्रति घंटा की चाल, प्रति घंटा का मतलब होता है पर घंटा, मतलब एक घंटा में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 35 किलो 500 मीटर। तो वो 7 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, सेम सवाल है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, चूंकि एक घंटा, एक बस जो है, सॉरी ऐसे लिखेंगे, एक घंटा में 35.500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसीलिए जब भी बीच में किलोमीटर मीटर है तो पॉइंट दे सकते हो, ठीक ना। जैसे 35 किलोमीटर 500 ऐसे हो गया। अब लिखेंगे इसीलिए कितना का, 7 का, 7 घंटा की बात पूछ रहा है तो 7 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, ज्यादा करेगा, जब एक घंटा में 35 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय करता है तो 7 घंटा में ज्यादा करेगा, तो ज्यादा करेंगे तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, 35.500 × 7 कर देंगे। अब देखो पॉइंट है तो पॉइंट पहले बाद में करेंगे, पहले गुना कर लो। जीरो से गुना करेंगे किसी भी संख्या में तो जीरो होता है, जीरो से फिर 7 में गुना किए, 0, 7, 5, 35, उसके बाद क्या, 7, 5, 35, 2, 37, 7, 3, 21, इक्कीस में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 23। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1, 2, 3, इधर से 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देना, 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगा दशमलव, इसका मतलब कितना हो गया, 237 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी तय करेगा, कितना में, 7 घंटा में। एक घंटा में उन्होंने 35 किलोमीटर 500 मीटर दूरी तय किया तो 7 घंटा में कितना जाएगा, 237 किलोमीटर और 500 मीटर। इसको स्टॉप करके रखो, सेव नहीं करना। सवाल है कि एक सरकारी कर्मचारी को 7,425 रुपया प्रति माह वेतन मिलता, प्रति माह मतलब एक माह में उसको 7,425 रुपया मिलता है, ठीक ना। वह किसी कारणवश नवंबर महीना में 6 दिन अनुपस्थित रहा, मतलब 6 दिन क्या करता, वह काम पर नहीं आता है, तो उसे उस माह में कितना वेतन मिला। तो सबसे पहले देखेंगे कि नवंबर जो होता है वह कितना दिन का होता है,
उनको समय निकालने के लिए पता है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला जो होता है ये 31 दिन का होता है, ये गहरा वाला जो होता है 28 या 29 दिन का, 30 दिन का होता है, ठीक ना। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर जो होता है 30 दिन का होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखेंगे नवंबर जो है, नवंबर माह, नवंबर नवंबर माह 30 दिन का होता है, कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है, होता है। सबसे पहले तो सर ये पता हो गया कि नवंबर महीना जो है कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। अब वो 30 दिन में कितना दिन जो है वो अनुपस्थित रहा, 6 दिन, 6 दिन क्या किया वो अनुपस्थित, अब्सेंट हो गया। तो 6 दिन से माइनस कर लेंगे, क्या कि एक महीना में 30 दिन, नवंबर महीना में 30 दिन में उन्होंने 6 दिन काम नहीं किया, तो कितना दिन काम किया, 24 दिन, उसको 24 दिन का वेतन मिलेगा। अब लिखेंगे चूंकि एक माह का वेतन, एक माह 30 दिन का वेतन, 30 दिन में 7,425 रुपया, 25 रुपया वेतन मिलता है ना, एक माह मतलब 30 दिन ना, तो 30 दिन में उसको कितना वेतन मिलता है, 7,425 रुपया वेतन मिलता है। इसीलिए कितना दिन में, एक दिन का पहले पता होना चाहिए, 30 दिन का तो पता है हमको कितना, 7,425 रुपया, तो हमको एक दिन का पता करना पड़ेगा, तो एक दिन का क्या होगा, कम ना, एक दिन में तो हमको कम रुपया मिलेगा, तो क्या करेंगे, भाग देंगे। बोले थे ना, जब ज्यादा का बात आएगा तो गुना करेंगे, जब कम की बात आएगा तो भाग करेंगे। तो 7,425 में क्या करेंगे, कितना से भाग दे देंगे, 30 से दे देंगे भाग, हो गया। आप कितना दिन का निकालेंगे, हम 24 दिन का, 24 दिन में काम किया है तो 24 दिन का, तो 24 दिन में ज्यादा निकलेगा ना, तो गुना हो जाएगा, तो 7,425 / 30 गुना 24। अब इसको काट कूट कर दो, यहाँ नहीं पूछा, मान लेते हैं ऊपर चला गया वो, देखो 6 से काटते हैं, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, कट गया 5, इसको काट सकते हैं, 5 लास्ट में तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 कितना बचा, 2, यहाँ 24 हो गया था, 5 चौके 20, ठीक ना, यहाँ कितना 4, 5 8 40, 5 25 कट गया, कितना बचा, 1485 गुना कितना, 4। अब इसको गुना कर दो, 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, 8 चौके 32, 2 34 के 4 बाकी 3, 4 चौका 16 3 17 बाकी 1, 4 एकम 4 1 5, यानी कि उसको 24 दिन का 5,740 रुपया मिलेगा ना, उस कर्मचारी कितना मिलेगा 24 दिन का वेतन, 5,740 रुपया, समझ आया। सबसे पहले देखो सवाल क्या है, ध्यान दो इधर, कोई लिखेगा नहीं, किसी विद्यालय के छात्रावास के भोजनालय, भोजनालय समझते हो, जहाँ भोजन बनता है, छात्रावास में जहाँ भोजन बनता है उसको क्या कहते हैं, भोजनालय कहते हैं। तो कह रहा किसी विद्यालय के छात्रावास के भोजनालय में प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब रोज 15 किलोग्राम चावल खर्च होता है, रोज का रोज कितना चावल खर्च होता है, 15 किलोग्राम। इस छात्रावास में जुलाई और अगस्त माह मिलाकर के, कितना क्विंटल एवं कितना किलोग्राम चावल खर्च होगा, कितना क्विंटल में भी पूछ रहा है और किलोग्राम में भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जुलाई और अगस्त माह जो है कितना दिन का होता है वो निकालना है। तो सबसे पहले देखो जुलाई माह कितना दिन का होता है, जुलाई कितना दिन का होता है, वैसे बताते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है, कितना दिन का होता है, 31 दिन का। जुलाई कितना दिन का होता है, 31 दिन। उसके बाद क्या है, अगस्त कितना दिन का होता है, 31 दिन, अगस्त 31 दिन का होता है, देख लो एक बार, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अभी अगस्त है ना, 31 दिन का, ये भी कितना दिन का हुआ, 31 दिन का। अब कह रहा है दोनों मिला करके, जुलाई और अगस्त को मिला करके कितना दिन हो जाएगा, 62 दिन, 62 दिन, समझ में आ गया ना। अब देखो सवाल कितना आसानी से बन जाएगा, तो सबसे पहले अब करना है कि कह रहा कि प्रतिदिन 15 किलोग्राम चावल खर्च होता है, यानी कि रोज, कैसे लिखेंगे, चूंकि एक दिन में, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, एक दिन, तो एक दिन में
15 किलोग्राम चावल खर्च होती, क्या होती है? चावल खर्च होती है, ठीक ना। एक दिन में कितना किलोग्राम चावल खर्च होती है? 15 किलोग्राम खर्च होती है। तो कितना दिन में? 62 दिन में। जब एक दिन में 15, तो 62 दिन में कम खर्च होगा कि ज्यादा खर्च होगा? ज्यादा खर्च होगा। और ज्यादा की खर्च हम क्या बताए थे? गुणा करना है, इसीलिए लिखेंगे 62 दिन में। 62 दिन में तो ज्यादा ना खर्च हो जाएगा रे, दिनों में तो 62 दिनों में ज्यादा खर्च होगा, तो क्या करेंगे? 62 गुना 15 कर देंगे। तो कितना जाए गुना करके? 15 दूनी 30, बाकी 3 ना, अभी 15 छाके 90, 90 में 3 जोड़ देंगे कितना जाएगा? 93। क्या निकल गया? किलोग्राम निकला, किलोग्राम। ग्राम दो चीज पूछ रहा है ना, एक पूछ रहा है क्विंटल में और दूसरा बात पूछ रहा है किलोग्राम में। तो किलोग्राम तुमको निकल गया 930 किलोग्राम जो है 62 दिन में खर्च होगा। अब इसको क्विंटल बनाना है, क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। कहे कि 100 किलो बराबर क्या होता है? एक क्विंटल होता है। कितना किलो बराबर एक क्विंटल होता है? 100 किलो का एक क्विंटल होता है, याद रहेगा ना। तो क्या करना है इसमें 100 से भाग दे देना, तो 930 में क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। देखो इधर देखो, तो 9 बार में कितना आ जाएगा? 900। कोई दिक्कत? जीरो 3, ठीक ना, ये हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ नहीं कुछ, क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे, 0। तो 3 बार में क्या जाएगा? 300 कटेगा। यहाँ तो डायरेक्ट अगर नहीं भी देते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे ये हो गया क्विंटल, ठीक ना, क्विंटल इधर हो गया, ये हो गया किलोग्राम, किलोग्राम। तो मतलब 9 क्विंटल 30 किलोग्राम जो है चावल 62 दिन में खर्च होगा, इस तरह से निकाल सकते। इधर क्विंटल हो गया, ये किलो ग्राम हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया? चलो लिखो।